हे हेलो एंड व्हाट इज अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। समझेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस शेयर करेंगे एंड फिन निफ्टी कल के लिए कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। वेनेसडे का जो आपका सॉरी ट्यूजडे का जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है एंड यहाँ पे निफ्टी में आपको कौन से लेवल्स में ट्रेड यहाँ पे करना है। फिलहाल अगर एचजीएक्स निफ्टी को देखेंगे तो जैसा मेरा फ्राइडे सेशन का जो एनालिसिस था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे डाउ अपने हाइज के आसपास बंद होंगे, बिकॉज वहां पे मैंने आपको लॉन्ग शॉर्ट का एंड ऑल्सो ट्रेंड का आपको मैंने एक व्यू दिया था कि डाउ में किसी न्यूज के चलते अपना जो जॉब डेटा है वो पॉजिटिव आया है, विच वॉज नेगेटिव फॉर द मार्केट। इसके चलते डाउ जो है अपनी गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन पास्ट ट्रेंड क्योंकि डाउ का जो है बहुत पॉजिटिव था, इसलिए डाउ वहां से रिकवर कर गया एंड एजेस को हम लोग देख रहे हैं फिलहाल 30 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स कहाँ खुलेंगे एंड आपके उसके बाद जो एजेक्स निफ्टी अपना कहाँ खुलेगा वो डिपेंड करता है निफ्टी का ओपनिंग प्राइस। तो ये दोनों फैक्टर इन करेंगे मंडे को एंड क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल को आपको देखना है, तो क्रूड ऑयल का लेवल मैं आपको निफ्टी के एनालिसिस के बाद बताऊंगा। बैंक निफ्टी का एंड फिन निफ्टी का जो एनालिसिस है, पहले मैं निफ्टी का एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। कल मार्केट खोलने के बाद आपको क्या करना है, निफ्टी में कॉल लेना है या पुट लेना है, कैसा लग रहा है मार्केट, ऑप्शन चेन डेटा एंड यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आपको समझाऊंगा एंड साइकोलॉजी कल की क्या रहेगी, ट्रेडिंग सेटअप क्या रहेगी, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। इस बीच आप जो है ये प्रीमियर लाइव वीडियो में आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रीमियर होगा तो कमेंट्स में आप पूछिए, आपको कुछ भी सवाल है आपका कमेंट में ही उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉमन स्टॉक्स जो मंडे को चल सकते हैं, तो कल के लिए कुछ कॉमन जो स्टॉक्स होंगे जो चल सकते हैं वो स्टॉक्स मैं शेयर करूंगा। तो 10 स्टॉक्स के एनालिसिस मैं शेयर करूंगा वीडियो में। निफ्टी का आपको मैं प्रॉपर लेवल्स दूंगा कल के लिए। तो कल के बाजार में निफ्टी कैसा यहाँ पे मेरे को परफॉर्म करता हुआ लग रहा है, निफ्टी के कौन से लेवल्स के ऊपर आपको तेजी करनी पड़ेगी, किस लेवल्स किस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के नीचे आपको मंदी करनी पड़ेगी, तो कॉल कहाँ लेना पड़ेगा, पुट कहाँ लेना पड़ेगा, लेवल्स कौन से होंगे, ट्रेड सेटअप कौन से होंगे, आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का देखिए, निफ्टी का सिंपल व्यू है। निफ्टी ने टॉप पे देखिए, मैंने थर्सडे का टॉप देखने के बाद ही आपको एक वार्निंग दे दिया था कि यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन होगा, बिकॉज जो पीसीआर है ना वो 1.63 1.70 के आसपास चली गई थी। तो थर्सडे से थोड़ा मार्केट कूल ऑफ हुआ एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए निफ्टी ने डेली कैंडल के स्ट्रक्चर वाइज डेली कैंडल में यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बियरिश कैंडल दिखाई है। तो ये रिवर्सल कैंडल है या फिर यहाँ से जो है डिप मिलने के बाद आपको वापस वीकली में आपको निफ्टी डिप आपको जो है बाउंस बैक देता हुआ दिखेगा, उसका भी समझेंगे। तो निफ्टी का डेली एंड वीकली स्ट्रक्चर मतलब मार्केट का आपका वीकली आउटलुक क्या रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का एंड फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ट्यूजडे को जो एक्सपायरी है। तो आपको इस बीच कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में हो, किसी भी स्टॉक्स का कुछ भी क्वेश्चन हो, मैं चैट में लाइव देखता रहता हूँ क्योंकि ये वीडियो प्रीमियर कर रहा हूँ मैं एंड चैट से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चैट में पूछिए अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द स्टॉक्स रिगार्डिंग इंडेक्स, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट में, मैं इंस्टेंटली आपको चैट से रिप्लाई करता रहूंगा। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी आपको सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो निफ्टी में यहाँ पे जो लेवल मेरे को नजर आ रहा है वो है 18,700 के ऊपर ही आपको फिलहाल तेजी करनी है निफ्टी में। निफ्टी में 18,700 के ऊपर अपने को जो है तेजी करनी है एंड वीकली स्ट्रक्चर जैसा मैंने आपको बताया, मैं शॉर्ट टर्म के लिए आई एम वेरी वेरी बुलिश, लॉन्ग टर्म के लिए आई एम वेरी वेरी बुलिश। वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा, क्योंकि पीसीआर हायर एंड पे है, मार्केट ओवरबॉट जोन पे जा चुका है, तो शॉर्ट टर्म में आपको रनिंग करेक्शन आएगा, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म एक दो दिन करेक्शन, जैसे अपने थर्सडे को गैप अप खोलने के बाद एक डाउनसाइड की रैली देखी, उसके बाद फ्राइडे को एक अच्छा कंसोलिडेशन, उसके बाद बैंक निफ्टी जो है बैंक निफ्टी अच्छा खासा रिकवर होकर बंद हुआ, लेकिन निफ्टी उतना ज्यादा जो है रिकवर कर नहीं पाई है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, निफ्टी यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा गिर गया ऊपर से, फिर उसके बाद यो क्लोजिंग हुई निफ्टी की। देखो मंडे को कहाँ ओपन हो सकते हैं पहले समझ लेते हैं। एजेस नेक के यहाँ पे जो एजेस का लेवल है 30 पॉइंट्स अप है हम लोग, तो एजेस देख के कुछ अच्छा खासा यहाँ पे गैप अप का गैप डाउन का नहीं लग रहा है, एक फ्लैट ओपनिंग मंडे को होगी। तो फ्लैट से शुरुआत करते हैं मंडे के लिए। तो मंडे के लिए आपको क्या करना है, थोड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, उसके बाद आपको मैं वीकली एनालिसिस शेयर करूंगा। मंडे के लिए लेवल आप नोट कर लीजिए, लेवल इसमें देखिए, पहले मैं आपको चार्ट का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखिए चार्ट में आपको क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, फिलहाल के लिए आपको इसमें जो है एक हायर हाइस हायर लो का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। क्या इसने स्विंग लो को, ये जो स्विंग लो नीचे से जो स्विंग लो था निफ्टी का, नीचे से जो स्विंग लो था, आपको जो मैंने प्राइस एक्शन का जो वीडियो मैंने शेयर किया कल, तो क्या आपने वहां से कुछ सीखा प्राइस एक्शन एक्चुअली क्या होता है। अगर आपने देखा नहीं है तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा,
वहां से आप दोबारा वीडियो को देख लीजिए, प्राइस एक्शन सीखिए, बिकॉज मार्केट में विदाउट सेटअप आपको काम बनने नहीं वाला। जैसे मैंने आपको क्रिकेट का स्टोरी समझाया कि किसी भी टेस्ट मैच में आप देखेंगे बैट्समैन को आउट करने के लिए बॉलर्स पहले आउटस्विंग डालता है, पहले देखता है वो ड्राइव करने का या कट करने का कोशिश कर रहा है कि नहीं, बिकॉज टेस्ट मैच में अपना स्लिप्स लगाए हुए होते हैं। तो अगर वो कोशिश कर रहा है यहाँ पे ड्राइव करने का कट करने का, तो और ज्यादा स्लिप वहां पे जो है बॉलर कैप्टन को बोलती है और स्लिप लगाओ, बिकॉज कहीं भी एज लगेगा तो वो आउट हो सकता है स्लिप में। तो फिर जब बैट्समैन उसको लीव कर देता है, देन बॉलर क्या होता है अपना सेटअप चेंज करता है, फिर बॉडी लाइन में डालेगा। बॉडी लाइन में जैसे वो डालता है आपको दिखेगा कि बैट्समैन को खेलना ही पड़ेगा मजबूरन, बिकॉज नहीं खेलेगा तो LBW आउट हो सकता है। तो बॉडी लाइन पे वो टेस्ट करता है कि इसका ऑन साइड का शॉट कैसा है। मान लीजिए कि किसी बैट्समैन का ऑन साइड बहुत अच्छा है, वो बाउंसर डालेगा, फिर वो फिर टेस्ट करेगा कि बाउंसर कैसा है, फिर बाउंसर देखा जाएगा उसका वीक है। जैसे उसको बाउंसर कोई किया, उसने पुल या हुक करने का कोशिश किया, टॉपेज लगा शॉर्ट लेग पे या फिर आपका लॉन्ग ऑफ पे जो है कैच मिल गया उसको लॉन्ग ऑन पे। तो यहाँ पे आपको ये सेटअप जो है ना, ये मैं किस लिए आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज मार्केट में भी ऐसा आपको देख के मार्केट का सेटअप भी आपको चेंज करना है। अगर मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर सेटअप जम नहीं रहा है तो आप वेट कर लीजिए, पेशेंस रखना, ट्रेड को ढूंढना एंड पेशेंटली वेट करना, ये मार्केट में एक बहुत बड़ी आर्ट है। तो ट्राई कीजिए इस आर्ट को लर्न करना। सबसे बड़ा आर्ट आपका स्टार्ट होता है प्राइस एक्शन से। तो प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का ऑसिलेशन, पूरा मैंने कल के लर्निंग वीडियो में, सैटरडे का जो लर्निंग वीडियो था वो आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। उस पे जाके आप चेक कीजिए, वीडियो देख लीजिए पहले, वापस उस पे जाके आप चेक कीजिए, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वहां पे आपको प्राइस एक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स मैंने समझाया है। तो ये अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, ये जो स्विंग लो मार्केट ने, ये जो स्विंग लो है इसको छोड़ दीजिए, वीक को से बॉडी को पकड़िए, बॉडी का जो स्विंग लो है ना मार्केट ने इसको होल्ड करके रखा था, लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या देखा, फिलहाल एक होल्ड करने के बाद फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में इसकी ब्रेकडाउन आई। ये जो स्विंग लो था ना, अब देखिए एक बार ब्रेक हुआ है, एक बार ब्रेक होने के बाद यूजुअली क्या होता है, मान लीजिए आपका दो चार दिन एक दो हफ्ते का कंसोलिडेशन के बाद प्राइस अगर वापस इस स्विंग लो को काटने के बाद ऊपर जाती है, देन और इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आपका आ जाता है, तो प्राइस रहेगा 18,842 का। तो ये अपना रेजिस्टेंस भी है, बिकॉज एक सपोर्ट को हम लोग तोड़ के नीचे आए हैं, तो अब वही सपोर्ट, सेम सपोर्ट दैट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको निफ्टी में यहाँ पे 18,840 मिलेगा। 18,840 जिस दिन ब्रेक होगा, वो कल मंडे को ब्रेक हो, ट्यूसडे को ब्रेक हो, नेक्स्ट महीने, नेक्स्ट हफ्ते, किसी भी दिन ब्रेक हो, उसके बाद आपको सीधा 19,500 ये लेवल में निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा। तो ये ध्यान रखिए कि 18,800 का जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ना, 18,850 ये लेवल्स को अगर निफ्टी क्रॉस करती है, 19,100, 19,500, 21,000, तो ये लेवल्स तक निफ्टी अपना जा सकती है। तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू सेल ऑन दिस लेवल्स, बिकॉज ये जो लेवल है ना अपना, ये अपनी रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो रेजिस्टेंस के पास मार्केट जब भी आता है, मैंने आपको क्या सिखाया है कि आपको सेल करना है, यू शुड ऑलवेज सेल एट द रेजिस्टेंस। मैंने आपको क्लियरली बताया है मेरे लाइव सेशन में, हर रोज मैं आपको लाइव में गाइड करते रहता हूं कि जब भी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास मार्केट आती है आपको टॉप से सेल करना, ना कि डिप्स पे। डिप्स पे आपको सेल करने में मजा नहीं है, टॉप पे जो मजा है सेल करने का। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी में टॉप लगा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स कंसोलिडेशन हुआ, बॉक्स कंसोलिडेशन होने के बाद बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे टॉप से जो सेल करने का मजा है ना, देखिए सीधा कितना फास्ट फॉल हुआ। मार्केट जब गिरता है ना, बहुत जल्दी गिरता है और उसका आईवी एकदम से बढ़ जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो थर्सडे को बैंक निफ्टी का 43,100 का जो पुट ऑप्शन था वो 3-4 रुपए पे काम कर रहा था। जैसे ही मार्केट फॉल होना स्टार्ट हुआ, 3 से 10, 10 से 20, 20 से बिल्कुल 5 मिनट में वो 55 पहुंच गया, 55 से 73, 73 का उसने हाई लगाया है। तो एक 4 रुपया का पुट ऑप्शन आपको जो है आपका ऑलमोस्ट 20 गुने का रिटर्न आपको दे दिया। तो यही होता है फॉल में, किसी भी पुट बायर को फॉल में सबसे ज्यादा मजा आता है, बिकॉज अपना जो आईवी होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होता है वो एकदम से शूट अप करता है, क्योंकि इंडिया विक्स भी बढ़ते हैं, तो एकदम से शूट अप किया एंड बैंक निफ्टी का आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन 20 गुना बढ़ गया। तो ऐसे फॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ऐसा टॉप सेटअप ढूंढना पड़ता है। तो टॉप पे देखिए मार्केट कहाँ पे है, प्राइजेक्शन क्या बोल रहा है, ये सेम चीज मैंने आपको प्राइजेक्शन वाले वीडियो में भी सिखाया है। तो इस पार्ट को स्किप करेंगे, यहाँ पे सीधा निफ्टी में आएंगे।
कल का निफ्टी एक बार के लिए आप लेवल नोट कीजिए, दिस इज फॉर मंडे। मंडे के बाद आपको मैं वीकली सेटअप में बताऊंगा, वीकली आउटलुक कैसा लग रहा है मार्केट में, हर एक सेक्टर का आउटलुक भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो में आप कॉमेंट्स में लिखते रहिए, क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड करके प्रीमियर कर रहा हूँ, तो कॉमेंट्स में आप लिखते रहिए, मैं बिल्कुल लाइव रहूंगा आपके साथ। कॉमेंट्स में जिसका भी मैं मैसेज रीड करूंगा, मैं चार्ट से एनालिसिस करके आपको जो है कॉमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे हम मंडे से वापस हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, जैसा मैं हम लोग लाइव मार्केट में मैं ऑन आता हूँ, लाइव मार्केट में हम लोग ऑन आएंगे। रात का भी अपना जो 9:30 बजे का शो चलता है, मंडे से आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है तो आपको थोड़ा मैं लेवल्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली प्रीमियम, ये आपका जो है प्रीमियर चल रहा है वीडियो, तो प्रीमियर लाइव प्रीमियर क्या होता है, आप जो जो भी कमेंट पूछते हैं ना वो मेरे को डायरेक्टली दिखता है। तो कमेंट्स में लिखिए, किसी का कुछ भी प्रश्न हो इंडेक्स को लेकर, किसी ने कॉल पुट लिया हो या किसी ने यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन के लिए हो, आप बता दीजिए। एंड स्टॉक ऑप्शन का एक हाईलाइटेड मैसेज में भेजिएगा, हाईलाइटेड मैसेज एक सुपर चैट करके आप स्टॉक ऑप्शन का भेजिए। अदरवाइज अगर किसी ने इंडेक्स का लिया हो या किसी भी स्टॉक्स के बारे में आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बारे में जानना हो, कमेंट्स में बेझिझक पूछते रहिए, मैं आपका कमेंट्स फॉलो कर रहा हूं, मैं लाइव आपको वहां पे जवाब दूंगा। तो यहां पे जो है निफ्टी का बात करते हैं, निफ्टी का यहां पे सिंपल लेवल है, निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 18,850, यहां पे एक रेजिस्टेंस लेगी, यहां पे कुछ दिन ड्रामा होगा, देन आपको एक ब्रेकआउट ऐसा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिख सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी का सिंपल प्रोजेक्शन लग रहा है अभी, बाय ऑन डिप्स, नीचे जब भी आए मार्केट एक स्विंग लो पे आप बाय कीजिए। मार्केट्स में बाइंग करते रहिए, मार्केट में बुलिश शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड के नजरिए से अभी पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है। मैं पूरा आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी सेक्टर इज बूमिंग इन इंडिया, खास करके मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स। तो कैप गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग किसी भी इकोनॉमी में अगर बूम होता है ना, तो पूरा इकोनॉमी का वो बैकबोन होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड सेक्टर अगर किसी भी देश का चल रहा है, इसका मतलब उसका इकोनॉमी नया ऊंचाई छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो रीरेटिंग होगी इंडिया की, आप बने रहिए, इंडिया का जो ये ग्रोथ स्टोरी है ना ये चलेगी, 5-6 साल आप देख लीजिएगा, दिस विल कंटिन्यू टिल 5-6 ईयर्स, जब से चलना स्टार्ट होगा 5-6 साल चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। जापान में जैसा अपना बुल रन जो अपने जापान में देखा था 1990s 1980s में, सेम बुल रन आपको इधर इंडिया में दिख सकता है। उतना लंबा नहीं चलेगा, शायद 10 साल ना चले, लेकिन 5 साल 4-5 साल के लिए मेरे को लगता है ये कैपेक्स साइकिल, बिकॉज जिस हिसाब से फॉरेनर्स के जो फंड फ्लोज इंडिया में, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDIs जो आ रहे हैं ना, बहुत ह्यूज नंबर्स पे इसने जो शूटअप किया, ह्यूज परसेंटेज से शूटअप किया नंबर्स। सो डेफिनेटली इट्स अ बिग बूम फॉर इंडिया एंड इट्स अ प्राइड फॉर एवरी इंडियंस। आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इकोनॉमी एंड ऑफ आवर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एंड यहाँ पे RBI जैसे मैनेज करी है चीज़ों को, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट। तो यहाँ पे देखिए इंडिया का फिलहाल मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ लेवल्स। तो निफ्टी का लेवल सिंपल है, कल के लिए मंडे के लिए आपको क्या करना है, 700 के ऊपर कहाँ पे क्लोजिंग हुए है 18,696, कहाँ ओपन होंगे फ्लैट। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 700 को वापस रिटेस्ट करने आए, मान लीजिए थोड़ा गैप अप हुआ एंड 700 को वापस रिटेस्ट करने आ रही है, तो नीचे का बस 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, लॉन्ग करना पड़ेगा मार्केट। तो सिंपल भी हुए कल के लिए आपको मार्केट में लॉन्ग करना है, एंड मंडे का जो व्यू है बिल्कुल मैं बुलिश साइड में रहूंगा, बिकॉज मार्केट 2 दिन करेक्शन दे दिया, तो रनिंग करेक्शन आ चुका है। एक बार के लिए मार्केट कोशिश करेगा 18,800 के आसपास जाने का। तो मैं एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा आपको कि अगर आप ऑप्शन सेलर है तो एक बुल कॉल स्प्रेड आप बना सकते हैं, तो स्प्रेड कैसे बनाना है वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए एंड लाइक का बटन दबाते रहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी लेवल्स का, निफ्टी लेवल्स नोट डाउन कीजिए, निफ्टी का कल के लिए लेवल्स, मंडे के लिए जो लेवल होगा निफ्टी में यहाँ पे 18,700 के ऊपर आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन निफ्टी। टारगेट्स इसके होंगे, टारगेट्स आर वेरी सिंपल, 18,810 एंड 18,850 जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लाइन है। जैसा मैंने आपको बताया कि सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट तोड़ के नीचे आई है, तो जो अभी सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन है अपना 18,850 के आसपास, तो वही फुल एंड फाइनल टारगेट आपको लेके चलना है। अगर वो तोड़ती है, मान लीजिए कल तोड़ दे, मंडे को तोड़ दे, ट्यूसडे को तोड़ दे, जब भी तोड़ेगी वहां से आपको 200 पॉइंट का और मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो निफ्टी अपसाइड में 18,700 के ऊपर मैं बुलिश हूँ, 18,850 तक जा सकते हैं। मेरे को लगता है एक बार एक्सपायरी जो है फ्लैट नोट पे होगी, उसके बाद से हम लोग प्राइस एक्शन को देखेंगे एंड समझेंगे, रिव्यू कर लेंगे। लेकिन ये जो आपका एक्सपायरी आने वाली है ना, दिस एक्सपायरी मेरे हिसाब से लगता है 8 दिसंबर एक्सपायरी एक बार के लिए फ्लैट हो सकता है, 18,800 के आसपास कहीं हम लोग
8 दिसंबर का जो एक्सपायरी काट सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बुल कॉल स्प्रेड जरूर बनाना चाहिए, मैं आपको व्यू शेयर करूंगा। पहले मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ निफ्टी का जो है, एंड इस बीच आप कॉमेंट करते रहिए, मैं आपका कॉमेंट्स रीड कर रहा हूँ, डोंट वरी, आई एम रीडिंग योर कॉमेंट्स, आई एम लाइव विथ यू, मैं बस ये प्रीमियर कर रहा हूँ। तो लाइव में आप कॉमेंट्स पूछते रहिए, आपको कुछ भी पूछना है तो कॉमेंट सेक्शन में, लाइव चैट सेक्शन में पूछिए, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे 18,640 के नीचे आपको फ्रेश मंदी करनी है, 18,640 के नीचे आपको अच्छा खासा टारगेट डाउन साइड का मिल जाएगा। 18,640 को अगर ये ब्रेक करती है, देन हम लोग समझेंगे कि ये जो 3,000-3,500 पॉइंट का जो रैली आया ना निफ्टी में, 3,000-3,500 नहीं, 3600 पॉइंट का रैली, 15,200 से 18,800, तो ये जो 3600 पॉइंट का जो रैली था ना निफ्टी में, 3600-3700 का, इसका एक रनिंग करेक्शन है। तो रनिंग करेक्शन में 2-3 दिन और करेक्शन हो सकता है, अगर 18,640 ब्रेक हुआ तो हम लोग ये व्यू बनाएंगे कि मार्केट और कुछ दिन जो है कंसोलिडेट करके जो है प्राइस के साथ टाइम के साथ एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकती है, थोड़ा और गिर सकती है अगर प्राइस 18,640 के नीचे जाती है। तो 18,640 के नीचे आपको सीधे 18,590 का टारगेट है, 18,590 के नीचे 540, एंड उसके नीचे अगर जाती है तो एक बार के लिए 18,450 की दर्शन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे 540-450 ये लास्ट टारगेट आपको नीचे का, क्योंकि हम लोग टॉप पे है तो गिरेंगे तो नीचे जो है अपना अनलिमिटेड गिरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे तो धीरे धीरे सीढ़ी चलेंगे, गिरेंगे तो अपना लिफ्ट से गिरेंगे एंड बहुत जल्दी आएंगे नीचे, एंड उतना ही जल्दी रिकवर करके भी मार्केट ऊपर जो है क्लोजिंग आपको दे देगी। तो निफ्टी का सिंपल लेवल, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आपने अगर ले लिया है तो इसका देखिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं ही ले लेता हूँ। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर का, वहां पे जाके ये स्क्रीनशॉट आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर का जो लिंक है नीचे, वहां पे आप जाके ये स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने स्क्रीनशॉट को सेव कर लिया है, फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल है हमारा, मैं दिखा देता हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल से आप जो है यहाँ पे लेवल्स एंड वीडियोस एंड बहुत कुछ आप यहाँ से जो है प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने प्राइस एक्शन का भी बताया, एक हम लोगों ने एक यहाँ पे आपका कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया, कैंडलस्टिक का कौन सा पैटर्न बनने के बाद क्या होता है, तो सब कुछ हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूरा डिटेल्स में शेयर किया। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहां से आप इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर लर्निंग वीडियोस ऑन द मार्केट्स। तो यहाँ पे देखिए डेली आपको अपडेट मिल जाता है, FIS ने कितना बाय किया कितना सेल किया, ऑल्सो यू गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द लाइव मार्केट सेटअप, बैंक निफ्टी में क्या लाइव मार्केट में सेटअप बन रहा है, क्या न्यूज आ रहा है स्टॉक्स का, तो सब कुछ आई थिंक मार्केट के बारे में आपको A to Z फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर टेलीग्राम चैनल से मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में है, मैं यहीं पे अपना जो है अपलोड यहाँ पे करूंगा, तो यहाँ से जाके आप जो है स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप अगर ऑफिस में बिजी हो मान लीजिए तो लेवल्स देख के आप तेजी या मंदी कर सकते हैं। ये बहुत हेल्प करता है, जो मान लीजिए मार्केट आवर्स में कोई और काम करता है, बिजनेस में है, दुकान में है, कोई ऑफिस में है, तो उनके लिए लेवल्स देखने के बाद ना, यहाँ पे मान लीजिए 18,700 पे निफ्टी है, तो आपने लेवल देखा, आपने डिमैट अकाउंट चेक किया, वहां पे आपको दिख जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ कामकाज कर रही है, आपने तुरंत जो है 18,700 के ऊपर कॉल में एंट्री कर लिया, 18,640 के नीचे ब्रेकडाउन देखा, तुरंत पुट में जो है यहाँ पे आपने पुट में एंट्री कर लिया। तो ऐसे लेवल्स में आप कामकाज कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी आपको मैं निफ्टी फाइनेंस यानी कि फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आपको मैं लेवल दूंगा क्रूड ऑयल के साथ। तो पहला स्टॉक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे फिलहाल लेने का आप यहाँ पे एक बार के लिए लेने का सोच सकते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को। प्राइस का स्ट्रक्चर सेम, हायर राइज हायर लो का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे एक बार ये जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक किया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज 200 EMA का नीचे सपोर्ट भी है, तो 200 EMA का सपोर्ट में देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग कैंडल बनी है। तो यहाँ पे ना प्राइस को जो है एब्जॉर्ब किया गया है, ये जो सप्लाई थी उसको एब्जॉर्ब करके यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल बनी हुई। तो यहाँ से मेरे को लगता है एक बार के लिए स्टॉक को आप रिव्यू कर सकते हैं अपसाइड में। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए सिंपल लेवल रहेगा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे जो है आपको 790 के स्टॉप लॉस के साथ 800 के ऊपर, 790 के स्टॉप लॉस के साथ 800 के ऊपर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं मंडे के लिए। ऊपर में टारगेट रहेगा 804, 809 एंड 815 का। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट यहाँ पे जो है लॉन्ग करने के लिए एक बहुत अच्छा कैंडिडेट मेरे को लग रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में आ जाते हैं, अपोलो हॉस्पिटल में भी एक ब्रेकआउट है।
अपोलो हॉस्पिटल एंड वीडियो में बने रहिए, आपको मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो निफ्टी का भी वीकली आपको सेटअप में बता दूंगा। वीकली हम लोग कहाँ कामकाज कर सकते हैं, मैंने वैसे आपको बताया कि एक्सपायरी हम लोग जो है 18,800 के आसपास हम लोग काट सकते हैं, तो एक रेंज बाउंड हफ्ता रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा खासा रैली देने के बाद हम लोगों ने देखा है मार्केट में एक रेंज बाउंड जो है रैली रहती है। तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल सिंपल व्यू है, कल के लिए एक लेवल के ऊपर आपको तेजी करनी है, लेवल होगा 4886-85 के ऊपर आपको तेजी करनी पड़ेगी। एक ब्रेकआउट है प्राइस में, अगर ये डबल टॉप ब्रेक होता है देन आपको सीधा 4960, तो 4885-86 के ऊपर बाय कीजिए, नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4860 के आसपास। तो क्योंकि बड़ा स्टॉक है तो अपना रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो इंट्राडे में अपोलो हॉस्पिटल को बाय एंड होल्ड किया जा सकता है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में 5100 से लेके 5600 का टारगेट है, एंड आप अपना रिसर्च खुद कर लीजिए। कोई भी मेरे रिकमेंडेड प्राइस से अगर आप कोई भी स्टॉक में खरीद बेच कर रहे हैं तो दिस इज ओनली फॉर एडुकेशनल पर्पस। मैंने आपको क्या बताया, मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको मैं एडुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके ऊपर अगर आप कामकाज करते हैं तो उसका प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। तो ये बात आपको मैंने एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के रूप में आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में क्या करना है, 4886-885 के ऊपर आपको तेजी करनी है। इंट्राडे के लिए आपको जो है लेवल्स लेके चलना है 4960 का। तो ऊपर में आपको जो है मोटा मोटे तौर पे 75 पॉइंट्स का आपको तेजी मिल जाएगी, नीचे आपको रिस्क लेना है 25-28 पॉइंट का। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अपोलो हॉस्पिटल में तेजी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का बात करते हैं तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर में एंड यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में तेजी हो सकती है, दोनों ही निफ्टी 50 का स्टॉक है। टाटा मोटर्स में आ जाते हैं, टाटा मोटर्स का स्ट्रक्चर भी देखिए, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्राइस का एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक हायर हाइज हायर लो का स्ट्रक्चर है, फिलहाल थोड़ा ये करेक्ट हुआ है। देखिए प्राइस क्या होता है ना, अगर बहुत ज्यादा भाग जाती है तो बहुत ज्यादा करेक्शन भी आता है। तो स्टॉक ने यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे अपसाइड का रैली दिया, उसके बाद आपने देखा टाइम वाइज कंसोलिडेशन। तो स्टॉक में नीचे जो सपोर्ट है 430 का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट थोड़ा नीचे है 408 का है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट आपका 430 का है, 6 महीने का सपोर्ट इसमें 430 का। तो इसमें जो है आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं 430 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे के लिए अगर पोजीशन बना रहे हैं तो टाटा मोटर में एक बार के लिए 50 EMA के ऊपर यानी कि आपको 436 के ऊपर आपको पोजीशन बनानी है, एंड 436 के ऊपर अगर आप पोजीशन बनाते हैं देन यहाँ पे 440, 443 and 450 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो इंट्राडे एंड BTST टाटा मोटर में किया जा सकता है, नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 430 का। बात कर लेते एक और फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज, तो डॉक्टर रेड्डीज में क्या हो सकता है एक बार के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो अच्छा खासा इसमें रिकवरी आई लोअर लेवल से, एंड इसका भी जो एक प्राइस का जो स्ट्रक्चर, इसने एक स्विंग लो ने इसको होल्ड किया, देखिए स्विंग लो, इसका नया स्विंग लो लगा नहीं है, इसका मतलब प्राइस का जो है ट्रेंडिंग प्राइस में है, अपसाइड अप ट्रेंड में है। तो यहां से एक आपको लेवल नोट करना पड़ेगा, लेवल विल बी 4520 के ऊपर, यानी कि जहां पे क्लोजिंग हुई है वहां से 10 रुपए ऊपर अगर डॉक्टर रेड्डीज कल कामकाज करना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर आप बाय एंड होल्ड यहाँ पे आपको किया जा सकता है। तो बाय एंड होल्ड डॉक्टर रेड्डीज में कर सकते हैं यहाँ पे 4520 के ऊपर, 4520 के ऊपर अगर बाय करेंगे तो 4530, 4545 एंड 4570 का आपको टारगेट मिल सकता है। तो डॉक्टर रेड्डीज का मैंने आपको व्यू शेयर किया, तेजी का व्यू रखिए, चार्ट सभी देखिए। यहाँ पे एक और रैली, मैं आपको यही बता रहा हूँ किस लिए मैं बुलिश हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में, बिकॉज सारे स्टॉक्स में एक बार के लिए लग रहा है एक रैली, यहाँ से और एक जो है अभी फेस बाकी है कंटिन्यूएशन अपसाइड का। तो इस हिसाब से मेरे को लग रहा है सारे स्टॉक्स, मतलब जो भी निफ्टी 50 के अंदर आते हैं स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स यहाँ पे चल रहे हैं। ICICI बैंक का बता देते हैं, यहाँ पे ICICI बैंक, तो 10 स्टॉक्स को यहाँ पे रिव्यू करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी का आपको लेवल दूंगा एंड निफ्टी का वीकली सेटअप एंड बैंक निफ्टी का वीकली सेटअप, फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी कहाँ पे हो सकता है पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग मंडे को जो है 12:30 बजे से हम लोग लाइव आ जाते हैं, लाइव मार्केट में उसका सेशन ज्वाइन कीजिए। लाइव मार्केट में आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है, तेजी मंदी हम लोग आपको करा के देते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, एंड कुछ स्टॉक्स में BTST करना होता है तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है। ICICI बैंक देखिए बहुत ज़्यादा टूट चुका है, ICICI बैंक एक बार के लिए रेजिस्टेंस प्राइस के आसपास है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है 932 के आसपास का रेजिस्टेंस है, ऊपर में 936 का रेजिस्टेंस है, दोनों यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा,
ये लेवल भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लेवल भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ब्रेकआउट 936 के ऊपर आना है, क्योंकि प्राइस अभी 930 के आसपास चल रहा है। तो एक बार रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस लगा के 939 938 का स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे सेलिंग कर सकते हैं। नीचे अगर ये गिरता है तो कहां तक गिर सकता है, नीचे का लेवल रहेगा 920 एंड नीचे जो है 915 तक ही जा सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट करेंगे इंट्राडे के लिए। लॉन्गर टर्म के लिए मैं इसमें पॉजिटिव हूं, लॉन्गर टर्म के लिए आपको इसमें जो है 1000 से लेके 1250 तक का टारगेट दिख सकता है। तो लॉन्गर टर्म में बने रहिए। आईसीआईसीआई बैंक के बाद हम लोग एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के बाद आपको मैं कुछ यहाँ पे अपना जो है फर्टिलाइजर्स कंपनी भी बताऊंगा। फर्टिलाइजर्स में फिलहाल तेजी है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल, इन सब कंपनीज में तेजी है। तो एक्सिस बैंक में देखिए, एक्सिस बैंक में यहाँ एक क्लासिक ब्रेकआउट है। एक्सिस बैंक का प्राइस नोट कीजिए, एक्सिस बैंक कल के लिए बहुत अच्छा ट्रेंड में रह सकता है। एक्सिस बैंक 905 के ऊपर आपको तेजी दिखेगी, 908, 913 एंड 920 का टारगेट। 920 के टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक को लॉन्ग कीजिए। नीचे में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 897 के आसपास। एक्सिस बैंक के बाद यहाँ पे यूपीएल को देख लेते हैं। यूपीएल कल चल सकता है। तो जितने भी स्टॉक्स चलेंगे मैं 10 बेस्ट स्टॉक जो है यहाँ पे आपके लिए एक बार एनालिसिस करके आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे यूपीएल में भी ब्रेकआउट है, यूपीएल आपको लेना है, लेकिन प्राइस आपका होगा 785 के ऊपर ब्रेकआउट है यूपीएल में। तो 785 के ऊपर ही बाय कीजिए कल इंट्राडे में। अगर 785 के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पे यूपीएल में बाय किया जा सकता है। बाय एंड होल्ड फॉर बीटीएसटी, फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ पे यूपीएल में मेरा 1000 का टारगेट है लॉन्ग टर्म में। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड अपना इंट्राडे प्राइस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको बाय करना है। बाय इसमें इंट्राडे में बनेगा 785 के ऊपर। तो 778 के स्टॉप लॉस के साथ 785 के ऊपर बाय कीजिए यूपीएल। ऊपर में आपको टारगेट मिल जाएंगे 788 का पहला टारगेट, 791 का दूसरा टारगेट, 794 का जो है आपको तीसरा टारगेट। 794 के ऊपर ये एक बार के लिए 801 तक जा सकती है। तो नीचे का स्टॉप लॉस 778 के लेवल्स पे, 778 के लेवल्स पे आपको लगा के चलना है। अब बात करते हैं यहाँ पे जीएनएफसी में। जीएनएफसी में यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोरोमंडल को देखेंगे एंड मैं आपको फिर से जो है बैंक निफ्टी का बताऊंगा। तो जीएनएफसी के बाद यहाँ पे जो है हम लोग कोरोमंडल को चेक करेंगे। जीएनएफसी में क्या हुआ है ना, क्लासिक ब्रेकआउट आई है। देखिए यहाँ पे प्राइस ने जो है ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन चल रही है। तो एक फ्लैग, ये बुल, यहाँ पे एक बुल फ्लैग बन रहा है। तो बुल फ्लैग में देखिए एक पोल एंड फ्लैग, यहाँ पे ये आपका पोल है, दिस इज द फ्लैग। तो ये अभी वेविंग चल रही है फ्लैग की। तो फ्लैग की वेविंग जब भी खत्म होगा, जिस भी डायरेक्शन में जाएगा हम लोग प्ले करेंगे। तो मान लीजिए कल के लिए ऐसे यूजुअल केस में क्या होता है ना, ये ऐसा नीचे का अपट्रेंड दिखाने के बाद, क्योंकि प्राइस हल्का सा यहाँ पे अपसाइड में है, तो आपको ऐसा एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो ब्रेकआउट में आपको प्ले करना है। ब्रेकआउट कहाँ पे आ सकता है इसका, ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है आपका 602 के लेवल्स पे। 602 के ऊपर जीएनएफसी में कल इंट्राडे में लॉन्ग किया जा सकता है। जीएनएफसी में अगर आप लॉन्ग करते हैं 602 के ऊपर, 608, 612, 616 एंड 621 का टारगेट है। वीडियो को लाइक करते रहिए, जो भी यहाँ पे लाइव में देख रहे हैं। आपको सेशन में यहाँ पे जो है निफ्टी का भी लेवल पता चलेगा। निफ्टी का ऑलरेडी मैंने इंट्राडे लेवल आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल मैं आपको बताऊंगा एंड निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली बेसिस पे कैसा लग रहा है उसका भी आपको डिस्कशन जो है हम लोग शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक का बटन जो है दबाते रहिए। किसी को कुछ भी सवाल है कॉमेंट में पूछते रहिए। लाइव चैट में मैं आपका चैट पढ़ रहा हूँ एंड आपको तुरंत जो है रिप्लाई भी कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो प्रीमियर है। पहले से ये प्री रिकॉर्ड करके हम लोग इसको प्रीमियर कर रहे हैं। अदरवाइज चैट मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन में ऑनलाइन चल रहा है। तो यहाँ पे जो है जीएनएफसी में तेजी करेंगे। तेजी का लेवल मैंने आपको बता दिया। नीचे का स्टॉप लॉस आपको लगाना है 592 का। तो 592 के स्टॉप लॉस के साथ 602 के ऊपर बाय करेंगे। बीटीएसटी के लिए 620 630 का टारगेट है। शॉर्ट टर्म पोजिशन के लिए 630 से लेके 650 का टारगेट है। इंट्राडे के लिए आपको 602 के ऊपर 608 612 का लेवल लेके चलना पड़ेगा। 592 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे गुजरात गैस में यहाँ पे जो है एक तेजी है। तो तेजी का यहाँ पे व्यू है गुजरात गैस में एंड एक प्राइस का सेम स्ट्रक्चर। देखिए जितने भी स्टॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, सारा स्ट्रक्चर वाइज देखिए पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक्स में अभी भी ब्रेकआउट बाकी है। एक मेरे को एक बार के लिए लगता है गुजरात गैस यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद आपको एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा, जो ब्रेकआउट में आपको 650 एंड 800 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस देखिए फिलहाल 515 के आसपास काम कर रहा है। तो मंडे के लिए क्या होगा, इसमें
517 के ऊपर, देखिए इसमें दो लेवल है, इसमें बाइंग भी है सेलिंग भी है, तो ध्यान से सुनिए। गुजरात गैस में 570 के ऊपर आपको बाय करना है 517, 517 के ऊपर आपको बाय करना है 522 एंड 526 के टारगेट्स के लिए, 526 530। नीचे का स्टॉप लॉस कहां लगाना है, 512। ऊपर में देखिए अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है तो एक बार के लिए 522 के स्टॉप लॉस के साथ आपको सेल करना है 514 के नीचे, 514 के नीचे इसको सेल कीजिए, नीचे का भी आपको लेवल इसमें मिल सकता है। तो डेफिनेटली इसमें दो लेवल है, एक बाइंग का लेवल है 517 के ऊपर, एक सेलिंग का लेवल है 514 के नीचे, तो दोनों लेवल यहाँ पे नोट कीजिए। स्टॉप लॉस आपका सेलिंग का रहेगा 522 का, बाइंग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 512 का। तो डेफिनेटली इसमें 514 के नीचे सेल कर सकते हैं, नीचे का 510, 506 एंड 503 का टारगेट है नीचे। तो गुजरात गैस में दोनों साइड का आपको लेवल मिल सकता है। एयरटेल के एक बार देख लेते हैं, एयरटेल के बाद आपको मारुति बताएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो मारुति में टॉप लग रहा है, लेकिन एक और बार मारुति खड़ी होगी उठ के, एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न फॉर्म हुआ है। देखिए डब्लू पैटर्न के बाद अगर यहाँ पे एक हैंडल बन जाए तो और कमाल है इसमें, मारुति में तेजी हो सकती है हैंडल बनने के बाद। सॉरी भारतीय एयरटेल, वेरी वेरी सॉरी, भारतीय एयरटेल में क्या हुआ है ना, भारतीय एयरटेल यहाँ पे जो है एक नया हाई लगाने के बाद एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो डब्लू पैटर्न के बाद यहाँ पे जो है एक बार के लिए अगर हैंडल बन जाता है तो ये बहुत जो है अपने लिए पॉजिटिव साइन होगा। तो हैंडल में यहाँ पे आपको कहाँ प्ले करना है, प्ले आपको करना है 851 के ऊपर। 851 के ऊपर अगर भारतीय एयरटेल निकल जाती है, बीटीएसटी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए पकड़ लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए 1100 का टारगेट है, शॉर्ट टर्म के लिए 950 का टारगेट है, इंट्राडे के लिए एंड बीटीएसटी के लिए। इसमें अगर 851 के ऊपर प्राइस जाता है 854, 858 एंड 863 ये लेवल्स तक भारतीय एयरटेल जा सकता है। नीचे का स्टॉप लॉस आपका रहेगा 847 का। तो एक बार के लिए मारुति देख लेंगे, मारुति में क्या हो सकता है। मारुति कल के लिए देखिए, मैं मारुति के बाद आपको एक और स्टॉक के बारे में बताऊं, महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा महिंद्रा एंड सिप्ला, ये सारे स्टॉक्स के बाद आपको मैं बैंक निफ्टी का लेवल दे दूंगा। तो कुछ स्टॉक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए मारुति में क्या हो रहा है, मारुति एक जो है फॉलिंग चैनल में, इसका जो है फॉलिंग चैनल चल रहा है। एम पैटर्न के बाद ब्रेकआउट आया, एम पैटर्न के बाद क्या आता है, पुल बैक। देखिए मैंने आपको सिखाया है कि एम पैटर्न में आपको शॉर्ट नहीं करना है, पुल बैक आने दीजिए, 200 ईएमए से आपको शॉर्ट करना है। एग्जैक्टली 200 ईएमए से मारुति ने फर्दर लो यहाँ पे आपको दिखाया। तो ये होता है प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे आपको जो है सेटअप मिला शॉर्ट करने का एंड वापस देखिए इसमें एक नया इसमें लो लगा है। तो मारुति में डेफिनेटली अभी थोड़ा प्रेशर रहेगा, मारुति को सेल कर सकते हैं। एंड ऑटो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है, मैं आपको 3 हफ्ते से बता रहा हूँ। तो ऑटो स्टॉक्स में आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग में प्ले करना है, मारुति 8800 के नीचे आपको बेचना है। 8800 के नीचे मारुति को बेचेंगे तो यहाँ पे जो है नीचे का टारगेट है आपको 8780 का, 8760, 8720 एंड 8680। तो नीचे का 8680 का टारगेट है, यानी कि यहाँ पे जो है 8680 का नीचे टारगेट है फुल एंड फाइनल। 8800 के नीचे आपको बेचना है, ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है 8836 का, 8836 या फिर 8844 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो हाई बीटा काउंटर है, बड़ा स्टॉक है, तो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट देख के आप इसमें कामकाज कीजिए। सिप्ला से पहले आपको M&M ही बता देता हूँ, M&M का जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का बता देता हूँ। एंड हीरो मोटोकॉर्प भी है, हीरो मोटोकॉर्प भी क्वेश्चन है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में यहाँ पे देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखिए एंड पैटर्न कहाँ पे बन रहा है उसका क्या इम्प्लीकेशन है प्राइस के साथ, रिलेशन क्या है प्राइस के साथ, कंक्लूजन क्या कर रही है, मतलब कंक्लूड क्या कर रही है, कॉल लेना है या पुट लेना है। बिकॉज आपको यही इसी में प्रॉफिट मिलेगा, या तो आप तेजी करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, या फिर आप मंदी करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो है आपको क्या करना है पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। एंड महिंद्रा महिंद्रा में देख लीजिए, महिंद्रा महिंद्रा यहाँ पे देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो हेड एंड शोल्डर में क्या करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा में यहाँ पे एक बार के लिए शॉर्ट करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि हेड यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे जो है हेड एंड शोल्डर दोनों फॉर्म हो रहा है, तो शॉर्ट करेंगे 1258 के नीचे, 1258 के नीचे, 1258 के नीचे अगर ये आती है प्राइस, डेफिनेटली 1250, 1243, 1230 एंड 1215 यहाँ तक प्राइस जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। एक अच्छी खासी तेजी हम लोगों ने देखी, मैंने 600-500 के लेवल्स में मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा रिकमेंड किया था, वहां से 1000 देन वहां से आपको 1200-1300 का लेवल देखने को मिल गया। तो यहाँ पे फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो इसमें एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वापस नीचे में आप अगर आपको 1100-1100 के लेवल्स में मिले तो वापस वहां पे लॉन्ग कीजिए, फिलहाल थोड़ा इसमें सप्लाई आ सकती है, तो ध्यान रखिए। एंड इंट्राडे में भी आपको शॉर्ट सेल करके चलना है, 1260 के नीचे, 1258 के नीचे,
एंड 1215 तक का टारगेट है, ऊपर में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1271 का। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लिया हम लोगों ने, हीरो मोटो कॉर्प, हीरो मोटो देख लेते हैं। तो हीरो मोटो कॉर्प में यहाँ पे इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर में देखिए, सारे ऑटो स्टॉक में जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, मारुति यहाँ पे, अपना टाटा मोटर्स यहाँ पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटो कॉर्प, सारे ऑटो स्टॉक्स में, अशोक लेलैंड, यहाँ पे सारे स्टॉक्स में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो जब ट्रेंड प्रॉफिट बुकिंग का है, जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड का, आपको एक बार ट्रेंड के साथ फ्यूचर शॉर्ट करनी है, पुट ऑप्शन लेना है, मंथली जो स्टॉक का पुट ऑप्शन, ये आप कर सकते हैं। तेजी का व्यू फिलहाल इन स्टॉक्स में नहीं है। तो ऑटो स्टॉक में, ऑटो एज अ सेक्टर मंडे टू फ्राइडे के लिए मेरे को थोड़ा वीक लग रहा है, तो वीकली आउटलुक ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा न्यूट्रल से नेगेटिव है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फिलहाल हीरो मोटो कॉर्प देखेंगे। हीरो मोटो कॉर्प देखिए, दो लेवल है, 50 EMA के ऊपर अगर निकलती है 2830 के ऊपर अगर हीरो मोटो कॉर्प निकल जाती है, देन आपको तेजी करनी है 2800 के स्टॉप लॉस के साथ। हीरो मोटो कॉर्प का टारगेट रहेगा 2840, 2855 एंड 2865। नीचे में अगर हीरो मोटो कॉर्प फिसल जाते हैं तो नीचे बड़ा टारगेट है, नीचे यहाँ पे ऊपर अनलिमिटेड जाएंगे। नीचे अगर मान लीजिए 2815 का जो लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है हीरो मोटो कॉर्प में, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी अ लोअर लेवल। लोअर लेवल कहाँ तक लेके जा सकती है, तो हीरो मोटो कॉर्प में आपको जो है 1815 के नीचे 1800 का टारगेट है, 2780 का टारगेट है, इसके नीचे जो है आपको 2750 तक हीरो मोटो कॉर्प जाता हुआ दिख सकता है। तो शॉर्ट अगर किया है तो 200 EMA के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा 2750 में। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकती है, जो आपका प्रॉफिट में जो है एक लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो किसी ने अगर शॉर्ट किया है इंट्राडे में मंडे को, तो शॉर्ट का आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया होना चाहिए 2750 तक। 2750 के बाद यहाँ पर अगर आपको एक हैमर दिखे तो वापस आप खरीद लीजिए, वापस आप लॉन्ग कर लीजिए हैमर के टॉप पे, तो वापस ये रिकवर करके खड़ी हो जाएगी। प्राइजेशन के साथ ही आपको काम करना है, सेटअप बनाना है जैसा मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पे हीरो मोटो कॉर्प पे आपको मंदी करनी है फर्स्ट टिक में, एंड सेकेंड टिक में अगर ये 2750 के आसपास जो इसका 200 EMA है एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम है, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत काम आता है। तो यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेके एक बार के लिए बाउंस बैक दे सकते हैं, इसलिए 2750 आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया होना चाहिए। सिप्ला बात कर लेते हैं, सिप्ला का मैं आपको एक बार बता दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को आपको एनालिसिस शेयर किया। आई होप ये सारे अच्छे खासे स्टॉक्स आपको इंट्राडे में कोई ना कोई हेल्प कर देंगे। सारे स्टॉक्स यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार है, मैंने स्टॉक्स ऐसा चुना है जिसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है। सिप्ला में क्या है देखिए, प्राइजेशन इसका भी सिंपल है, सबका देखिए मार्केट चलता है ना, तो सबका प्राइस जितना भी निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है, इसका प्राइस ने क्या किया, इसका प्राइस ने एक बार रिवर्सल दिया है। रिवर्सल देने के बाद अगर आप इस पे लोअर लोस कनेक्ट करेंगे तो ये एक अपना हायर लो है, उसके बाद लोअर लो एंड वापस एक लोअर लो। अब सिप्ला में क्या हो सकता है, सिप्ला मान लीजिए लोअर लो क्रिएट करने के बाद ये सपोर्ट्स को ब्रेक करती है 1100, तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन रहेगा 1110 से लेके 1100 तक का। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में आपको तेजी करना है इस प्राइस के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है रिवर्स हुआ है, मैंने आपको जो प्राइस एक्शन में सिखाया है कि प्राइस क्या बोल रही है, भाव क्या बोल रहा है, भाव ये बोल रहा है कि मैं हायर हाई लगाऊंगी एंड हायर लो भी लगाऊंगी। आप देखिए लो यहाँ पे, इसका जो लो है इसमें स्विंग लो होल्ड किया था, सारे में स्विंग लो होल्ड हुए, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया। तो यहाँ से रिवर्स हुआ एनए का, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लोअर हाई लगना स्टार्ट हुआ, लोअर हाइस लोअर लोस, लोअर लोस लोअर हाइस एंड उसके बाद लोअर लो। तो एक और इसमें जो है पुल बैक आई है, तो ये इम्पल्स है, ये पुल बैक है, तो ये पुल बैक के बाद मेरे को लगता है एक बार के लिए यहाँ पे आपको 1100 के बाद आपको 1090 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो सिप्ला में शॉर्ट करेंगे 1100 के नीचे, 1090 का पहला टारगेट है, उसके नीचे अनलिमिटेड फॉल हो सकता है 1070 1080 1060 तक का फॉल यहाँ पे आपको दिख सकता है सिप्ला में। तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं या फिर इंट्राडे में शॉर्ट कीजिए, छोटे टारगेट्स के लिए 10 से 20 पॉइंट का नीचे टारगेट लीजिए, ऊपर आपको स्टॉप लॉस लेना है 1108 1110 का। तो 1:1 का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, 1100 के नीचे बेचना है, 1110 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1090 1080 1070 नीचे का तीन टारगेट मैंने आपको दे दिया। बैक टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल नोट कीजिए। बैंक निफ्टी में सिंपल जैसा मैंने आपको बताया थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में, देखिए क्या हुआ थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल नंबर, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी किसी भी साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास मार्केट आती है ना, वहां से आपको
एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे तो काफी अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिल गया। प्राइस का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस का जो स्ट्रक्चर है, प्राइस यहाँ पे एक इम्पल्स बॉक्स कॉन्सोलिडेशन, मैंने आपको यही समझा है कि बॉक्स कॉन्सोलिडेशन के बाद प्रीवियस ट्रेंड देखिए, मतलब कहाँ से प्राइस जो है कॉन्सोलिडेट कर रही है। प्राइस अगर एक अच्छा खासा टॉप से नीचे डाउनफॉल होने के बाद कॉन्सोलिडेट किया है तो चांसेस यही रहता है ये ट्रेंड वापस कंटिन्यू करने का। क्या इसने ये ट्रेंड कंटिन्यू किया? बिल्कुल कंटिन्यू किया, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे जो है मैंने जैसा आपको बताया कि 4-4 रुपया का पुट ऑप्शन भी 76-75 का प्राइस में चला गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसने जो है एक यहाँ पे कोशिश किया, ये कोशिश है, जस्ट कोशिश इसकी है कि पहला तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है नीचे, अगर आप ठीक से देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसके ऊपर ब्रेकआउट भी आया है, तो दोनों मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैंने मार्केट में क्या बोला है, शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा, लॉन्गर टर्म में आई एम बुलिश एंड जो है रनिंग करेक्शन आता रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, डिप्स पे बाय करते रहना है। बैंक निफ्टी यहाँ से अगर मान लीजिए कल के ट्रेडिंग सेशन में 43133 का अगर ये क्रॉस करती है लेवल्स 43133, एंड इस बीच लाइक करते रहिए वीडियो को एंड कमेंट्स में पूछिए, किसी का कुछ भी सवाल है कमेंट्स में पूछते रहिए, मैं आपको तुरंत जवाब दे रहा हूँ, जवाब देते रहूंगा। यहाँ पे एक बार के लिए आप कमेंट्स में जो है स्टॉक ऑप्शन किसी के पास अगर है, मेरे हाथ में अभी आईपैड है, मैं आईपैड से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको स्टॉक ऑप्शन का भी आपको मैं व्यू दे दूंगा। तो किसी के पास भी स्टॉक ऑप्शन का कोई क्वेरी है आप हाईलाइटेड सेक्शन पर पूछिए, एंड यहाँ पे आप चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो ज्वाइन बटन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर डायरेक्टली सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको चैनल मेंबरशिप का ही बटन दिखेगा, तो वहां से आप चैनल का मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल के मेंबर्स के लिए हम लोग बड़ा प्लान कर रहे हैं, फिलहाल आपको जो है उसमें अर्ली एक्सेस मिल जाता है वीडियोस का, कोर्स का, एंड उसमें जो है ऑप्शंस माइक्रो में आपको डायरेक्ट चैनल से ही कॉल मिल जाता है, तो चैनल मेंबरशिप बटन ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को स्टॉक ऑप्शन का पूछना है हाईलाइटेड मैसेज आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है आप अपना स्टॉक का नाम, उसका स्ट्राइक प्राइस और कितने प्रीमियम में आपने बाय किया आप बता दीजिए हाईलाइटेड मैसेज में, एंड मैं आपको जो है उसका 3 टारगेट एंड 1 स्टॉप लॉस आपको तुरंत चैट में ही बता दूंगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का बात करें तो लेवल्स नोट कीजिए, बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल है मैं आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी मंडे के लिए पॉजिटिव, जिस तरह से चार्ट का स्ट्रक्चर बनाया ना बैंक निफ्टी का, ये एक बार ड्रामा करेगा इस लेवल्स पे, लेकिन जैसे ही 43130 के ऊपर निकलेगी ब्रेकआउट इसमें, तो अपने को प्राइस वही रखना है सेम 43130, बैंक निफ्टी 43130-135 के ऊपर लॉन्ग कीजिए। बैंक निफ्टी का जो टारगेट है, बैंक निफ्टी का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा इसमें 43130 के ऊपर, बैंक निफ्टी का जो टारगेट है सिंपल टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा 43200 का, एक छोटा टारगेट 43310 का आपको दूसरा टारगेट है, 100 पॉइंट का टारगेट लेते रहिए, उसके बाद 43440 के ऊपर निकलती है तो बड़ा वाला ब्रेकआउट है 43600 के लिए बैंक निफ्टी रेडी हो जाएगी। तो ऊपर के टारगेट ज्यादा है बिकॉज बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक अपना नया हाई लगा दिया, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत पहले क्योंकि अपना नया हाई लगा चुकी थी उसके बाद एक हफ्ता पूरा कंसोलिडेट किया है, तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से एक बार के लॉन्ग किया यहाँ पे जा सकता है, अच्छे लेवल्स में लॉन्ग किया जा सकता है, शॉर्ट साइड भी मिलेगा। शॉर्ट साइड के लिए फिलहाल आपको 42950-960 का लेवल आपको ध्यान रखना है, 42960 टूटेगा नीचे तो नीचे आपको सीधा टारगेट इसमें लेके चलना है 42900 का फर्स्ट टारगेट, 42820 का दूसरा टारगेट, 42770, तो 820 एंड 770 इसके नीचे मैं बैंक निफ्टी को देखता नहीं हूँ बिकॉज ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने कुछ किया नहीं है कुछ दिनों से, तो एक हफ्ते से पूरा कंसोलिडेट किया है, ना ज़्यादा ऊपर भागी है ना बैंक निफ्टी यहाँ पर जो है ज़्यादा गिरने को तैयार है बिकॉज फाइनेंशियल इन्वेस्टर स्टॉक्स में तेजी है। तो स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ, अपने ग्रुप पर डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट को डाउनलोड करके लाइव मार्केट में इसको एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है इसका एंड पूरा डिटेल्स में जो है हम लोग शेयर कर दिया, मैंने अपने डिटेल्स में व्यू शेयर किया है आपके साथ एंड स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट
हाँ तो बैंक निफ्टी का लिया गया है एंड इसके बाद जो है फिर निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का वीकली आउटलुक देखिए, वीकली के लिए मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। तो बैंक निफ्टी भी एक इसमें जो है प्राइस वाइज एक कंसोलिडेशन दिखेगा बैंक निफ्टी में, लेकिन 43,500 इज ऑन द कार्ड। सो 43,500 बहुत जल्दी आ रही है। सीएनएक्स फाइनेंस यानी कि फिन निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। फिन निफ्टी ट्यूजडे कहाँ पर एक्सपायर हो सकती है एंड फिन निफ्टी यहाँ पे जो है एक बार के लिए अगर देखेंगे फिन निफ्टी में 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर बनाई है फिन निफ्टी। तो ये जो हेड एंड शोल्डर है ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है दोनों शोल्डर से एंड नीचे आपको यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिखता हुआ दिख रहा है। तो फिन निफ्टी ब्रेक डाउन के बाद क्या कर सकती है, वापस एक बार 19,300 19,400 ये लेवल्स तक जो है अपना एक्सपायरी के अंदर आ सकती है। इसका फाइनल रेजिस्टेंस 19,400 के आसपास है। तो ये रेजिस्टेंस के साथ आपको फिन निफ्टी में थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजिशन में लिए ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 19,250 के ऊपर, 250 नहीं 260 270 270 के ऊपर तो लेवल नोट कीजिए फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी का सिंपल लेवल है मंडे के लिए, मंडे के लिए लेवल बिल्कुल सिंपल है। फिन निफ्टी का मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, लेवल नोट कीजिए। लेवल फिन निफ्टी के लिए आपको देखने को मिलेगा इसमें 19,270 के ऊपर। मैं तेजी में रहूंगा फिन निफ्टी में, टारगेट्स मेरे लिए होंगे 19,320 19,360 एंड 19,400 एंड 19,400 भाई फुल टारगेट रहेगा। तो ये फिन निफ्टी का जो टारगेट है ना ये मंडे एंड ट्यूजडे के लिए दोनों दिन के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? बिकॉज ट्यूजडे को एक्सपायरी है, ज्यादा मोमेंटम मैं देख नहीं रहा हूँ अपसाइड में। डाउन साइड में अगर कुछ भी एक्सपायरी एक्सीडेंट होता है जो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो नीचे के लेवल से आपको ध्यान रखना है 19,180 का लेवल, 19,180 का लेवल आपको ध्यान रखना है फिन निफ्टी में। 19,180 के नीचे मंदी कीजिए एंड तेजी का स्टॉप लॉस 19,180 का रखिए, मंदी का स्टॉप लॉस 19,270 का रखिए। तो ये जो बीच में 90 पॉइंट का है ना वो आपका स्टॉप लॉस है, ये ध्यान रखिए। फिन निफ्टी हाई बीटा काउंटर है, दिखता है ये निफ्टी जैसा लेकिन काम करता है बैंक निफ्टी जैसा, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस इसमें लंबा लेके चलना है, अदरवाइज आपको फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो 19,180 के नीचे सीधा आपको 19,120 का टारगेट देखने को मिलेगा, उसके नीचे 19,060 जो मेरा पुराना लेवल है 19,060 19,040 एंड उसके नीचे फिसलती तो एक बार के लिए 18,950 घूम के आएगी। तो फिर निफ्टी के लिए सिंपल है टारगेट स्टॉप लॉस आप नोट कर लीजिए, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके वापस अपने ग्रुप पे डालूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप फिनोस्टार स्टॉक ट्रेडर ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अपना ऑफिशियल चैनल एंड जिसको प्रीमियम प्लस ज्वाइन करना है, प्रीमियम प्लस के लिए आपको लाइव चैट बॉक्स के ऊपर एक पिंड मैसेज दिख रहा होगा, एक पिंड ब्लू कलर के बॉक्स पे एक येलो कलर का फिनोस्टार स्टॉक ट्रेडर लिखा हुआ पिंड मैसेज दिख रहा होगा। web.fankarek.com पे क्लिक करेंगे, उसमें आपको कोड यूज करना है fin1000 जो मेरा कूपन कोड है, वो अगर आप यूज करते हैं तो आपको साल भर का प्रीमियम प्लस फिनोस्टार प्रीमियम प्लस जहाँ पर ऑलरेडी 260 मेंबर्स है उस कम्युनिटी के साथ आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने एक पीडीएफ एक रिसर्च एनालिसिस भी शेयर किया रिलेटेड टू द डेड बबल। तो डेड बबल का एक बहुत अच्छा रिसर्च है बिजनेस स्कूल का, उसको हम लोगों ने शेयर किया आपके साथ एंड इसके अलावा आपको डेली के लेवल्स मिल जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का। बीटीएसटी के तौर पे आपको इक्विटी कैश में बीटीएसटी करने का मौका मिल जाता है। स्ट्रैटेजीज हम लोग शेयर यहाँ पे शेयर करते हैं सेलिंग के हेजिंग के स्ट्रैटेजीज एंड ऑल्सो ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रैटेजीज एंड अलॉन्ग विद प्रॉपर गाइडेंस। आपको देखिए यहाँ पे जो भी आपको गाइडेंस शेयर किया जाता है ना बहुत ज्यादा प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको हम लोग कामकाज कराते हैं। तो किसी भी शेयर को किसी भी इंडेक्स का कॉल को पुट को कब आपको लेना, किस प्राइस के ऊपर लेना है, किस लेवल के ऊपर किस लेवल के नीचे आपको लेना है पुट ऑप्शन, सब कुछ डिटेल्स में आपको मिल जाता है। तो इस कम्युनिटी के साथ अगर आपको जुड़ना है लाइव चैट बॉक्स के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे क्लिक कीजिए web.fankarek.com एंड अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो उसमें डायरेक्ट 1,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए गाइस फिन निफ्टी का मैं आपको लेवल यहाँ पे बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। फिन निफ्टी में ओवरऑल में एक बार के लिए 19,400 का टारगेट देखना पसंद करूंगा एक्सपायरी तक। मेरे हिसाब से प्राइस में अभी भी स्ट्रेंथ है, एक दिन के फॉल के बाद अपना जो है ट्रेंड को रिवर्स नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज ये जो अपना FIIs बाई कर रहे हैं ना वो कुछ सोच समझ के अपना जो है बाई कर रहे हैं, क्योंकि FIIs जो है अपना सोच समझ के बाई कर रही है। एक बार के लिए आपको क्या हो सकता है यहाँ पे जो है फिन निफ्टी भी एक बार के लिए आपको जो है ऊपर के लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है।
तो तीनों मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं लेवल्स, मैं एक बार चेक भी कर लूंगा, नहीं किया हो तो फिर से कर लूंगा एंड आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मार्केट खुलने के बाद क्या होगा, मार्केट खुलने के बाद आपको तेजी करनी है, मंदी करनी है, लेवल्स क्या रहेंगे, सब कुछ फ्री टेलीग्राम चैनल में भी हम लोग शेयर करते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रेकिंग न्यूज हुआ किसी स्टॉक के ऊपर, किसी सेक्टर के ऊपर, वो सब आपके साथ शेयर किया जाता है। अब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक देख लेते हैं। मैं वीकली एनालिसिस के लिए देखिए, बैंक निफ्टी मेरे लिए इस वीक के लिए 43,500-44,000 का लेवल इस वीक में है। मैं तेजी में हूँ, बुलिश इन द इंडेक्स। एक रनिंग करेक्शन आएगी जो आ चुकी है थर्सडे और फ्राइडे को, उसके बाद जो है इंडेक्स फिर से अपना अपसाइड मोमेंटम रिज्यूम कर सकता है। डाउ में भी हम लोगों ने वापस तेजी देखी है। तो यहाँ पे सीएनएक्स आईटी का एक सिंपल लेवल नोट कीजिए। सीएनएक्स आईटी यहाँ पे 3185 यानी कि 31,085 के ऊपर तेजी में रहेगी एंड 31,200 का पहला, 31,400 का दूसरा, 31,600 का तीसरा टारगेट रहेगा सीएनएक्स आईटी में। तो सीएनएक्स आईटी स्लाइटली न्यूट्रल रेंज बाउंड टू बुलिश, सीएनएक्स ऑटो न्यूट्रल टू प्रॉफिट बुकिंग टू नेगेटिव। तो सीएनएक्स ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग है, मैंने आपको इसका एक व्यू दिया था, उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। देखिए जो लेवल्स मैंने शेयर किया था फ्राइडे, उसी लेवल्स के आसपास यहाँ पे सीएनएक्स ऑटो ने कामकाज किया। तो सीएनएक्स ऑटो का जो है एक बार के लिए नीचे 13,000 के नीचे 12,950 एंड 12,880 तक ये आ सकता है। सीएनएक्स फार्मा देखेंगे तो फार्मा सेक्टर भी सेम। तो निफ्टी फार्मा देख लेते, निफ्टी फार्मा में यहाँ पे एक बार के लिए 13,000 का लेवल एंड 13,000 के नीचे 12,900 एंड 12,800 का आपको लेवल दिख सकता है। प्राइस का स्ट्रक्चर एक स्विंग, यहाँ पे एक स्विंग हाई लो को होल्ड किया हुआ है, तो जब तक ये होल्ड करिए आपको इसमें मंदी नहीं करनी है। तो फार्मा मेरे लिए इस हफ्ते के लिए जो है न्यूट्रल रेंज बाउंड टू नेगेटिव, फार्मा में पॉजिटिव नहीं हूँ। यहाँ पे फार्मा अगर 13,000-18,000 का लेवल्स को अगर तोड़ेगी, 13,000 का राउंड नंबर मान लीजिए, 13,000-13,000 का लेवल अगर निफ्टी फार्मा तोड़ेगी तो डेफिनेटली नीचे हम लोग 200-300 पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे सीएनएक्स फार्मा के बाद एक बार के लिए निफ्टी रियलिटी देख लेते हैं। रियलिटी अगर देखेंगे निफ्टी रियलिटी, तो रियल एस्टेट सेक्टर कैसा लग रहा है, देखिए रियल एस्टेट यहाँ पे रियल एस्टेट में बूम है। तो एक बार के लिए डीएलएफ भी देख लेंगे, डीएलएफ का भी क्वेश्चन था तो डीएलएफ भी एक बार के लिए देख लेते हैं। तो डीएलएफ में क्या करना है, क्योंकि रियलिटी में तेजी है, तो डीएलएफ का चार्ट का जो स्ट्रक्चर है इसमें भी आपको अच्छा खासा तेजी दिख रहा है। तो डीएलएफ यहाँ से नया हाई टच करने के लिए रेडी है। मंडे के लिए आपको जो लेवल ध्यान रखना है, लेवल विल बी 412 के ऊपर अगर निकल जाती है डीएलएफ, आपको तेजी करनी है 416 एंड 420 421 के टारगेट्स के लिए डीएलएफ में तेजी कीजिए। 412 के ऊपर नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 406 का, तो 406 के स्टॉप लॉस के साथ 412 के ऊपर बाई कीजिए डीएलएफ। 412 के ऊपर बाई करेंगे तो 416 एंड 421, उसके ऊपर 424 का टारगेट है। तो डीएलएफ में तेजी करेंगे। शोभा भी एक और स्टॉक है, शोभा में भी आप तेजी कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट काउंटर से डीएलएफ एंड शोभा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल के लिए जो लेवल यहाँ पे लग रहा है, फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है आपको एक हायर हाइज हायर लो का जो स्ट्रक्चर निफ्टी रियलिटी बना रही है। तो ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा रियलिटी के लिए, यहाँ पे निफ्टी रियलिटी का जो ब्रेकआउट है वो 464 के ऊपर है। 464 के ऊपर निकलती है तो 500 का टारगेट, 500 के ऊपर 550 एंड 560 का टारगेट। शोभा का भी जो है यहाँ पे मैं एक बार के लिए शोभा का मैं आपको शोभा रियलिटी का आपको मैं एक चार्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो शोभा रियल एस्टेट में यहाँ पे एक बहुत अच्छी तेजी आई एंड इसके बाद देखिए एक बुल फ्लैग, यहाँ पे एक बुल फ्लैग फॉर्म हुआ है। फ्लैग का जो पोल है ना, इसने अपना पोल, अपना जो खंबा है फ्लैग का, इसने फॉर्म कर दिया। तो ये खंबे के बाद आपको क्या दिख सकता है, तेजी। यहाँ पे जो है अभी फिलहाल इसका झंडा जो है लहरा रहा है, ये बुल फ्लैग का ब्रेकआउट ऐसे आ सकता है। तो आपको बाई कहाँ पे करना है, बाई आपको करना है शोभा में 638 के ऊपर, 638 के ऊपर 641 641 646 एंड 654, यहाँ तक का टारगेट आपको दिख सकता है। नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलना है 50 EMA या फिर 200 EMA का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो 200 EMA 627 628 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर स्टॉप लॉस लगा ले तो 600 का लगाइए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में 600 का स्टॉप लॉस लगा के 750, 900 एंड 1100 के टारगेट्स के लिए शोभा को लॉन्ग कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए मेरे हिसाब से एक बार के लिए यहाँ पे 628 का स्टॉप लॉस लगा के 630 का स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे में 638 640 के ऊपर बाय कीजिए। 642 644 646 एंड 652 ऊपर के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको सेक्टर वाइज मैंने आपको शॉर्टेड
बता दिया है यहाँ पे, इंडेक्स में भी बताया आपको निफ्टी में कैसा लग रहा है, फार्मा बताया, आईटी बताया, ऑटो बताया, रियल एस्टेट आपको बता दिया, निफ्टी फाइनेंस भी आपको बता दिया, तो बैंक निफ्टी भी आपको मैंने बता दिया। तो बैंक निफ्टी का वीकली आउटलुक 43,000 से 44,000 का रेंज है। नीचे में ऑप्शन सेलर के लिए जो पुट बेचने वाला रेंज है दैट इज 42,500। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के लिए क्योंकि एक पैराबोलिक मूव आ चुका है तो निफ्टी थोड़ा टाइम वाइज कंसोलिडेट करेगा। तो हम लोगों ने एक ऐसा मूव पहले भी हम लोगों ने देखा है कि निफ्टी जब भी एक रेंज का ब्रेकआउट, देखिए ऐसा जो मूव आया है यहाँ पे तो सबको लग रहा था यहाँ पे टॉप बन गया। देखिए यहाँ पे जो है 15,700-15,800 का जो टॉप था सबको लग रहा था कि 15,900 का जो टॉप है वो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन दो महीने के कंसोलिडेशन के बाद अगर आप देखेंगे ना इस रेंज पे जब ये टॉप था, मान लीजिए इसके बाद का स्टोरी किसी को पता ही नहीं था, तो जब यहाँ से प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर आया ना तो सबको लगा यहाँ पे मार्केट थम जाएगा, यहाँ से वापस क्रैश हो जाएगा। क्रैश तो हुआ नहीं, यहाँ पे हुआ एकोमोलेशन। यही प्राइस एक्शन मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। तो कल वाला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको आई बटन पे क्लिक कीजिए, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल में जाके आप प्राइस एक्शन क्या है उसका भी वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए निफ्टी का एक हाई लगाने के बाद लगातार दो महीने से ये कंसोलिडेट किया, दो महीने से देखिए एक ही रेंज में, रेंज था 15,600 से लेके 15,900 का। तो सोचिए दो महीने के अंदर कितना रिटेलर्स का यहाँ पे लॉस हुआ होगा जिसको प्राइस के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं। इसके बाद क्या हुआ, 15,900 जब ब्रेक हुआ इसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ी रैली आई। तो मेरे को ऐसी रैली की एक और उम्मीद है, 15,900 से लेके जो 18,600 की रैली थी, ये जो अपना 3,700-3,800 पॉइंट की जो रैली थी, इसके बाद 2,500-2,700 पॉइंट की जो रैली थी, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वापस जो है मार्केट करेक्शन में यहाँ पे गया। तो निफ्टी के लिए सिंपल व्यू है, निफ्टी का वेरी वेरी सिंपल व्यू है। अपसाइड में ऐसा है कंसोलिडेशन के बाद, मान लीजिए जैसा आपने कंसोलिडेशन देखा 15,500 से लेके 15,900 का, वैसा ही कंसोलिडेशन के बाद वापस निफ्टी आपको यहाँ पे एक अपसाइड दिखा सकती है। तो कंसोलिडेट करेगी मार्केट, वीकली रेंज बाउंड हो सकती है, अपसाइड में 18,850 तक जरूर जाने की कोशिश यहाँ पे चेष्टा होगी निफ्टी की एक्सपायरी तक। तो यहाँ पे इस वीक के लिए रेंज बाउंड है मार्केट, थोड़ा रेंज बाउंड थोड़ा डिप मिले तो आप बाई कीजिए, मान लीजिए थोड़ा अच्छा डिप मिलता तो 15,000-18,500 के आसपास से लेके वापस 18,850 का रैली ये दिखा सकती है। अपसाइड में लिमिटेड जाएंगे एंड अगर फाइनली 18,900 को ब्रेक करते हैं तो इसी हफ्ते के अंदर आपको 19,100 आ रहा है। तो निफ्टी का सेक्टोरियल आउटलुक थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर 43,500 रीटेस्टिंग, 43,500 रीटेस्ट करेंगे तो 44,000। फाइनेंस में एक्सपायरी के लिए ट्यूजडे एक्सपायरी के लिए 19,270 के ऊपर बाई कीजिए, 19,320 का पहला टारगेट मंडे के लिए, दूसरा टारगेट 19,360, उसके बाद हो सकता है थोड़ा गिर जाए एंड वापस जो है 19,400-19,500 तक लेवल्स रीटेस्ट हो सकते हैं एक्सपायरी के दिन। तो ट्यूजडे का जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी का अलर्ट डेफिनेटली आपको मंडे भी दिया जाएगा एंड एक्सपायरी के दिन जो है हम लोग लाइव आके आपको तेजी मंदी कराएंगे। हीरो जीरो ट्रेड भी मिलेगा आपको फिर निफ्टी में। तो पूरा आपको मैंने डिटेल्स में बता दिया, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यहाँ पे कॉमेंट्स में आप बताते रहिए, मैं आपको जवाब देते रहूंगा। एंड यहाँ पे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ज्वाइन बटन दबा के चैनल को यहाँ पे जो सपोर्ट कर सकते हैं, तो सपोर्ट करने वाला जो बटन है ना वो ज्वाइन बटन होता है। किसी चैनल को आप कितना फॉलो करते हैं, कितना आपको हेल्प होता है, वो ज्वाइन बटन उसके मेंबर्स बताते हैं। तो जितना आप यहाँ पे इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि इस चैनल से लोगों का कुछ भला हो रहा है। मैं आप जो लाइव आके एंड आपको जो मैं ये प्रीमियर शो करा के जो आपको पूरा लेवल समझा रहा हूँ, तो अगर आपका कुछ भी फायदा पहुँच रहा है डेली लाइफ में तो डेफिनेटली चैनल को एक थम्स अप दीजिए एंड यहाँ पे चैनल का ज्वाइन बटन आप दबा के चैनल का मेंबर बन सकते हैं एंड यहाँ पे पर्क्स आपको वो दबा के आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट लाइव शो में। गुड नाइट गाइस।